आलमनगर सीट पर जीत का छक्का लगा चुके हैं मंत्री नरेंद्र नारायण यादव। पप्पू यादव अटका पाएंगे राह में रोड़ा। बिहार विधानसभा चुनावों में मधेपुरा जिला अक्सर चर्चा में रहता है। मधेपुरा जिले के तहत आलमनगर विधानसभा सीट आती है, जहां से नीतीश सरकार में मंत्री नरेंद्र नारायण यादव 6 बार जीत चुके हैं और 7वीं बार जीत की तैयारी में है। नरेंद्र नारायण यादव इस सीट पर पहली बार सन 1995 में कांग्रेस उम्मीदवार को हरा कर जीते थे, तब से लगातार वो जीतते आ रहे हैं। उन्होंने 1995, सन 2000, 2005, फरवरी 2005, नवंबर 2010 और 2015 का विधानसभा चुनाव जीता। पिछली बार यानी 2015 में उन्होंने लोजपा उम्मीदवार चंदन सिंह को 47,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया था, शायद इसलिए उन्हें मधेपुरा का अजात शत्रु कहा जाता है। आलमनगर विधानसभा सीट पर तकरीब 3.25 लाख मतदाता हैं, इनमें से 52% पुरुष जबकि 48% महिलाएं हैं। यह सीट यादव और मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इनके अलावा यहां राजपूतों की भी अच्छी आबादी है। माय समीकरण के बावजूद यहां से लगातार JDU की जीत हो रही है। 1995 में नरेंद्र नारायण यादव ने जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, बाद में वो JDU में शामिल हो गए। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव का भी ये कट रहा है। पप्पू यादव कई बार मधेपुरा से सांसद रहे हैं। 2015 में उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी। 2015 में उनकी पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश को इस सीट से मात्र 5,333 वोट मिले थे, यानी मात्र 2.77% लोगों ने ही उन्हें वोट दिया था। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि पप्पू यादव नरेंद्र नारायण यादव को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि लोजपा जो पिछली बार दूसरे नंबर पर रही थी, उसके और राजद के भी मैदान में उतरने से यहां का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। 2015 में राजद और JDU ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी यहां से ताल ठोक रही है। सन 1951 में ही इस सीट का गठन हो गया था। तब इस सीट पर हुए पहले चुनाव में गैर कांग्रेसी उम्मीदवार तनूप लाल यादव जीते थे। बाद में 1957 से 1972 तक लगातार 5 चुनावों में यहां से कांग्रेस उम्मीदवार जीतते रहे। इनमें से 2 बार कांग्रेस से यदुनंदन झा और 3 बार विधाकर कवि जीतने में कामयाब रहे। 1977 में जब पूरे देश में जनता पार्टी की लहर थी, तब यहां से वीरेंद्र कुमार सिंह जीते। 1980 में फिर से यहां से कांग्रेस की जीत हुई। 1990 में वीरेंद्र कुमार सिंह दोबारा जनता दल के टिकट पर चुने, लेकिन 1995 से लगातार नरेंद्र नारायण जीतते आ रहे हैं। जनवाद टाइम्स के साथ जुड़े रहने के लिए जनवाद टाइम्स के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।